संकुल शिक्षण डिडवणा भाग तीन पंडित बसराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर डिडवणा में आप सभी का स्वागत है। मैं गणेश राम मड़ासिया कक्षा नौवीं विषय विज्ञान पाठ तीन परमाणु एवं अणु, जिसमें हम अपन अध्ययन करेंगे परमाणु क्या होता है, परमाणु कितने बड़े होते हैं। अध्याय तीन परमाणु एवं अणु। परमाणु क्या होता है, तो परमाणु किसी तत्व का वे छोटे से छोटा कण होता है जो रासायनिक परिवर्तन में भाग लेता है परंतु जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं होता है, उसको परमाणु के नाम से जानते हैं। नया टॉपिक है परमाणु कितने बड़े होते हैं, तो परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। जो वस्तु चाहे कितनी छोटी हो चाहे बड़ी हो, लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर है एक चट्टे के रूप में रखते हैं तो बड़ी कठिनाई से कागज़ की एक सीट जितनी मोटी होती है उतनी मोटी परत बन जाती है। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर, अब नैनोमीटर का प्रतीक होता है एनम, तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापते हैं। तो देखो 10^-9 मीटर, अब इसको जो नैनोमीटर में चेंज करें क्या हो जाएगा, एक ये 10^-9 मीटर है तो ये आपके एक नैनोमीटर के बराबर होता है, और एक मीटर होता है वो 10^9 नैनोमीटर के बराबर होता है। सापेक्ष आकार त्रिज्या जिसको मीटर में व्यक्त किया गया है ये कुछ उदाहरण है। 10^-10 तो ये हाइड्रोजन परमाणु बराबर होता है, ये हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का प्रतीक एच होता है। 10^-9 जल अणु के बराबर होता है। अब ये जो जल है इसके रासायनिक सूत्र होता है H2O, ये होता है। 10^-8 हीमोग्लोबिन अणु, अब जो ये हीमोग्लोबिन है इसका प्रतीक हो गया Hg। 10^-4 रेत के कण होते हैं। 10^-2 त्रिज्या मीटर में होगी तो वो चिंटी में देखने को मिलता है। 10^-1 वो तरबूज में देखने को मिलता है। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म मतलब होता है बारीक से बारीक, हम इसे नगण्य मतलब जिसका मान निश्चित नहीं होता है वो नगण्य होता है मान सकते हैं, हम इसके बारे में क्या सोचते हैं। हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा जो विश्व ने संसार ही परमाणु से बना होता है, चाहे हम उन्हें देख नहीं सकें फिर भी ये सभी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं उपस्थित होते हैं, हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर इनका प्रभाव पड़ता है। अब हम आधुनिक मतलब जो तकनीकी शुरू से
अपने गए उसकी सहायता से तत्व की सत्य के अवधेत प्रतिबंधों को देख सकते हैं और जिसके अंदर परमाणु स्पष्ट दिखाई देता है। ये जो आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है ये सिलिकॉन का है। ये सिलिकॉन सतह के अंदर प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। अब ये जो बारीक बारीक ये जो बारीक बारीक है अब ये आपकी हो जाएगा परमाणु। ये परमाणु है तो देखो ये सिलिकॉन तत्व है इसमें परमाणु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सभी भैया एवं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।